बड़ी खातिरदारी हुई कूपन को लेकर के, कूपन बांटे गए। जब इन्वेस्टर्स लंच के लिए कम पड़ गए तो कूपन फ्री बटे, जिसको टाई पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके और कूपन हासिल करके लंच कर ले, ये स्थिति थी। जो एमएसएमई है, उसके लिए क्या किया? ये बड़े उद्योगपति तो पहले भी आए थे, आखिरकार जो एमएसएमई के लिए होना चाहिए था, सरकार ने क्या किया? और सरकार बता रही है कि न जाने कितनी कारखाने लग गए हैं, कितना फाइनेंस हो गया है, न उनको बैंक फाइनेंस दे रही है। और सरकार बताए कि अगर एमएसएमई बहुत लगी है इनकी सरकार में, तो आखिरकार बिजली का कनेक्शन कितना लिया है उन्होंने? केवल डेटा पे बता देना कि इन्होंने एमओयू कर लिया, ये सच्चाई से दूर होगा जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं बताया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पाएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है? हमारी नेशनल से भी नीचे बिलो जा रही है एग्रीकल्चर, और कम से कम जो फसलें पैदा हों उनकी एमएसपी तो सरकार दे। क्या सरकार ने एमएसपी दी है? और अभी जितने भी हमारे सदस्य होंगे वो जानते होंगे, आलू की फसल चौपट हो गई है, किसान को जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो बजट में कहा गया कि उनके लिए, इनके घोषणा पत्र में कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए से रखे जा रहे हैं कुछ फसलों खरीदने के लिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जो पोटैटो बेल्ट है, आज तक सरकार ने कितनी खरीद की है आलू की? ये सरकार कम से कम आंकड़े हम लोगों के पास रख दे। ODOP बहुत फेमस, सरकार ने पूरा का पूरा प्रचार ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक लंबी सूची है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। हर डिस्ट्रिक्ट का सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि वहां पर कितना बजट दिया जाएगा, कितना ODOP में काम हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने भी सदस्य हैं, पूरे प्रदेश के बैठे हुए सदस्य हैं, आगरा में लेदर प्रोडक्ट के लिए क्या बजट था? अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर के लिए कितना बजट दिया गया? अंबेडकर नगर हमारे बुनकरों का भरा पड़ा है बुनकर, जो सुविधाएं समाजवादी सरकार में मिलती थी वो सभी सुविधाएं छीन ली गई। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहा गया कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा देंगे। सरकार बताए कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है? और यहां में फूड प्रोसेसिंग, और फूड प्रोसेसिंग में देसी घी, हमारे माननीय सदस्य बैठे होंगे, बताओ देसी घी के लिए बजट क्या दिया गया? अयोध्या में जैगरी, क्या बजट दिया आपने जैगरी के लिए? बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग, कितना बजट दिया गया फूड प्रोसेसिंग के लिए? भदोई कारपेट दरी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादी सरकार में बना था, उसके अलावा सरकार ने क्या दिया वहां पर? फरीदाबाद में ग्लासवेयर के लिए बजट क्या था? हमीरपुर के लिए शूज के लिए बजट क्या था? बांदा के लिए बजट क्या था? झांसी का सॉफ्ट टॉयज बजट क्या दिया आपने? कन्नौज में परफ्यूम, इत्र, अतर, पता नहीं खुशबू से क्या नफरत है सरकार को, बहुत नफरत है खुशबू से इनको। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि छापा पड़ गया, मुझे अच्छा लगा कि पूछ लिया। अध्यक्ष महोदय, जिस पे छापा पड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी का था। अरे अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा अध्यक्ष जी से मिल ले चुपचाप, क्योंकि कानपुर के जिस उद्योगपति पे छापा मारा गया था उसे समाजवादियों का कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में था
समाजवादी लोग कैसे बदनाम हों, समाजवादियों पे कैसे आरोप लगे, इसलिए वो छापा मारा गया। और गलती डिजिटल इंडिया की थी, क्योंकि जिसने इत्र का और परफ्यूम का लॉन्च किया था उसका नाम भी पी जैन है, वो भी कन्नौज का रहने वाला है, वो भी उसी मोहल्ले का है, उसका भी कारोबार कानपुर में है, मुंबई में है। पता नहीं कंप्यूटर में क्या दिखाई दिया डिजिटल इंडिया में कि जिसके यहां छापा मारना था उसके यहां छापा नहीं मारा अध्यक्ष महोदय, अपने यहां ही जो काम करता है, जो बीजेपी का समर्थक था, उसके यहां छापा मार दिया। और अपनी खीज मिटाने के लिए इन्होंने फिर दोबारा उसके ऊपर छापा मारा। ये तो छापा मार सरकार है और ये कोई नई चीज नहीं है। जो दिल्ली में रहता है वही छापा मारता है। पहले भी सरकारें थी और ये भी सरकार है, कम से कम बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस पार्टी से कुछ अच्छा सीखा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी छापा मारती थी, बीजेपी ने कम से कम कांग्रेस के रास्ते पे चलने का काम किया है। बीजेपी ने अब बहुत नए नए विधायक जीते हैं, माननीय सदस्य जीते हैं, इनको पुराना इतिहास कांग्रेस का पढ़ना चाहिए। मेरठ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बजट क्या था, तो ये आखिरकार ओडीओपी का प्रचार क्यों है इतना जब आप बजट नहीं दे रहे हैं उसके लिए। और जो $1 trillion इकोनॉमी में एमओयू किए हैं उसकी सच्चाई कब तक जानेगा उत्तर प्रदेश। इससे पहले जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी जिसमें लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए, अध्यक्ष महोदय देश के सब उद्योगपति वो आए जो दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट में आए, लेकिन अध्यक्ष महोदय एक भारतीय जनता पार्टी के मित्र उद्योगपति नहीं आए। कहां 2 नंबर का प्रचार हो रहा था, कहां 2 नंबर। भारत को गर्व होता है इस बात पर कि भारत का एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया, हमें भी गर्व होता, हम भी कहते कि देखो हमारा उद्योगपति कम से कम इतना अच्छा कारोबारी है, कारोबार करता है कि दुनिया के नंबर 1 पर है, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों को पछा दिया उसने। क्या है बिग जॉस, क्या है दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया में हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है। केवल एक रिपोर्ट नहीं, केवल एक रिपोर्ट ने सोचिए अध्यक्ष महोदय कहां दुनिया के दूसरे नंबर की और कहां दुनिया के किस नंबर पे कोई नहीं जानता आज कहां पर है। अध्यक्ष महोदय मित्र की पहचान तो तभी होती है जब बुरा वक्त आता है। क्या बीजेपी ने अपने मित्रों छोड़ दिया, अपने मित्र को छोड़ दिया? अरे कम से कम इस इन्वेस्टमेंट मीट में तो आते मित्र, और अगर मित्र को छोड़ दिया तो हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं वो एक्सप्रेस वे से कैसे लखनऊ आएंगे। जो मॉडल आपने अपनाया, क्या आपका वो एक्सप्रेस वे बन जाएगा? जो मॉडल, जिस मॉडल पे आपने उन उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में लाए, क्या उस मॉडल से आपका सड़क बन जाएगी? मुझे खुशी इस बात की, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता था कि अगर आप स्पीड को बढ़ा देंगे और जब कभी भी किसी एक्सप्रेसवे, किसी फोर लेन एक्सप्रेसवे का मैंने शिलान्यास या उद्घाटन किया होगा तो मैं यह जरूर कहता था, एक अमरीका की कहावत बोलता था, मुझे अच्छा लगा। अभी रोड ट्रांसपोर्ट सरफेस मिनिस्टर आए थे, उन्होंने भी वही कहा कि हम उत्तर प्रदेश की अमेरिका से बेहतर सड़कें बना देंगे या अमेरिका के बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मैं ये बात कहता था कि अमेरिका को सड़कों ने, अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बनाया। और मैंने कहा अध्यक्ष महोदय हमेशा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी। नेता सदन शायद ये बात आपके समझ में आ गई होगी जो मैंने कहा कि इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी।
और आपका एक्सप्रेसवे कैसा बना है? पूरी गाड़ी अंदर चली गई, लोग बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। अगर मुझे वीडियो मिल जाता वो, तो शायद दुनिया में देखने को मिलता कि असली शूटिंग ये होती है। और जो बात एक्सप्रेसवे की है, वो कैसे बनेगा, वो मॉडल क्या था, उस मॉडल पे क्या आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा जो आपने टाइमलाइन दी है, जो आपने समय तय किया है, क्या वो एक्सप्रेसवे बन जाएगा तब तक? जिस मॉडल पे आपने दिया है अपने मित्र उद्योगपति जी को, मुझे नहीं लगता कि वो बन पाएगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं आपसे, मेरा सुझाव है आप पर, दिल्ली की सरकार ने कई बार कहा, मैंने नेता सदन को, मुझे लगता है दिल्ली वाले कम सुनते होंगे आपकी, और ये अगर बात मेरी गलत है तो आप बताओ कि दिल्ली वालों ने आपको किस एक्सप्रेस वे के लिए बजट दिया है? ये मौका है, आप अपना एक्सप्रेस वे दिल्ली वालों को दे दो और कम से कम दिल्ली वालों से बजट लेकर के बनवा लो। ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको आपने दिया उनके साथ खड़े ही नहीं है। मैं केवल एक्सप्रेस वे की बातें नहीं कर रहा हूं, जो समाजवादी सरकार में काम हुए थे, इनका पीडब्ल्यूडी का बजट पिछली बार का, अगर मैं करेक्ट हूं तो 27,470, माननीय लालजी वर्मा जी, यही था बजट इनका पीडब्ल्यूडी का, 27,470, और खर्च हुआ कितना, 7,570 खर्च किया केवल। पीडब्ल्यू सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, उसमें बजट हुआ 27,470, खर्च किया 7,570 केवल। 28 मैं 30% मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे $1 trillion इकोनॉमी मिलेगी, ऐसे 34% का हमें जीडीपी का ग्रोथ रेट मिलेगी, और केवल समाजवादियों ने एक्सप्रेस वे नहीं बनाए थे टू डबल द स्पीड ट्रिपल द इकोनॉमी के लिए। अगर नोएडा में एलिवेटेड सड़क की जरूरत थी तो एलिवेटेड सड़कें बनी है, नोएडा को गाजियाबाद जोड़ने के लिए, नोएडा के अंदर ट्रैफिक को ईज आउट करने के लिए, दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादी सरकार की है। नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। गाजियाबाद की एलिवेटेड सिंगल पेयर 6 lane एलिवेटेड रोड अगर किसी ने दी तो समाजवादियों ने दी। 6 साल में हमें बताए सरकार कि अगर कहीं इस तरह की एलिवेटेड सड़क बनाई हो तो बताएं। जिस समय वो बनी थी वो देश की इकलौती सड़क थी, सिंगल पेयर। नेता सदन, सिंगल पेयर 6 lane सड़क कहीं तो बना देते आप, हम पे तो बुद्धि नहीं है, हम तो एक ही बना पाए। और हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, सिंगल पेयर 6 lane एलिवेटेड रोड जितनी गाजियाबाद में बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, पूरे देश में कहीं नहीं बनी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं, अगर उन्होंने अपने 6 साल के कार्यकाल में एक भी बनाई हो तो बता दो हमें आप, हम पे तो बुद्धि नहीं है, आप पे तो बहुत है, अगर बनाई हो तो बता दें अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं थोड़ी देर के लिए। कल बताएंगे। नहीं अध्यक्ष महोदय, अगर बनाई हो तो बता दें, मैं बैठ गया। आज आप बोलो, वो कल बताएं। आप आपस में सब लोग नहीं, प्लीज नहीं, डेविड यू आर नॉट लव। और केवल ये 2 सड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, मेरठ से करनाल 4 lane सड़क समाजवादी सरकार की बनी है, मुजफ्फरनगर टू देवन टू सहारनपुर, मुरादाबाद टू संभल, अमरोहा से जो है बहुत कम बनी है, बरेली टू बदायूं, बरेली टू उत्तराखंड, जो जानती एनडी तिवारी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मैंने उनके नाम पे घोषणा की थी कि उनके नाम पर होगी पंडित नारायण दत्त तिवारी 4 lane मार्ग, लखनऊ से मलियाबाद होकर के हरदोई
से शाहजहांपुर फोर लेन, आपके सीतापुर लखीमपुर फोर लेन,